अनूपपुर जिले की नवगठित नगर पंचायत बनगवा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए बीमा अभिकर्ता व भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य तेज बहादुर कुशवाहा ने पेश की है दावेदारी। एक बीमा अभिकर्ता होने के कारण आम जनता से संपर्क व सामाजिक पकड़ बेहद मजबूत है इनकी, जहां पर नगर पंचायत चुनाव के लिए समस्त बीमा अभिकर्ताओं व क्षेत्र की जनता के सामंजस्य जनता की सेवा के लिए आ सकते हैं, जहां पर चुनावी मैदान पर और साथी में तेज बहादुर के अभिकर्ता साथियों का पूर्ण समर्थन और क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के सुझाव व समर्थन से पार्टी के टिकट के लिए कर रहे हैं दावेदारी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम महेश कुमार जेठानी है, मैं राजनगर नगर परिषद से हूँ। जी, आपके क्षेत्र में बनगवा के लिए तेज बहादुर जी आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है और उनको मैं शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा। और जहाँ तक संगठन की बात है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 1989 से जुड़े हुए हैं और सच्चे सिपाही सच्चे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जैसा हमारी संगठन चाहेगा, जिसको देता है टिकट, हम सब उनके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में आप भी बहुत लंबे समय से हैं और आपने अभी बताया कि 1989 से आप भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या वास्तव में अभी टिकट दिया जाना चाहिए और मैदान में उतरने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूर, मैदान में उतरने की तो सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारी तीनों नगर परिषद हैं, डोला, डूमर, कछार और राजनगर, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। नहीं तो ये आज तीनों नगर परिषद की जगह जंगल उजाड़ होता। और बिल्कुल ये 100% सत्य है कि तीनों परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता को और जो सच्चा सिपाही हो उनको टिकट मिलनी चाहिए जी। और उनमें से कुशवाहा जी भी एक हैं, बहुत पुराने लंबे समय से। यदि कुशवाहा जी को पार्टी चुनती है और बिल्कुल प्रत्याशी के रूप में चयनित करती है, तो आप लोगों की ओर से क्या सहयोग रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लोगों से तो, हम तो संगठन के लोग हैं, तो हम लोगों का तन मन धन पूरा रहेगा। और दूसरी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, तो हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए लोग हैं जी। हम लोग उनका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर हम लोग भारतीय जीवन बीमा वाले लोग उनके रसोई तक पहुंचे हुए लोग रहते हैं जी। तो अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुना जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा नाम तेज बहादुर कुशवाहा है जी। क्या करते हैं आप? मैं पैसे से LIC एजेंट हूँ और कहाँ रहते हैं? राजनगर। अभी आपकी तैयारी चल रही है कि आगामी जो चुनाव होना है जी, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव जी, उस पर आप दावेदारी करने की मंशा बना रहे हैं जी। बिल्कुल, क्या है प्रमुख उद्देश्य आपका? देखिए, दावेदारी इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम भाजपा में पिछले 25 सालों से सेवा कर रहे हैं जी, और चूँकि हमारा पैसा LIC एजेंट का है, तो पिछले 25 सालों से निरंतर घर घर की सेवा कर रहे हैं LIC के बैनर तले, और घर घर हमारा संपर्क है, घर घर सेवा है, फ़ोन की सुविधा जो है हम LIC में भी देते हैं, और वही फ़ोन की सुविधा टोल फ्री नंबर फिर हम नगर पंचायत में देंगे, नगर पंचायत के विकास के लिए सोचेंगे। जो नगर पंचायत का हमारा ग्रामीण भाई चक्कर काटता है, उसके लिए हम ये सुविधा देंगे, टोल फ्री रहेगा, उसको किसी प्रकार की सुविधा जो है फ़ोन के माध्यम से होगी, घर बैठे फ़ोन करेगा, मतलब और अगर वो किसी भी समस्या को लेकर के चाहे तो टोल फ्री नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल, और बिल्कुल, घर बैठे उनको सुविधा करा पाएंगे। हाँ, जो जिस लायक सुविधा होगा, जैसे नाली सफाई और टावर का लाइट, आपका रोड लाइट, ये सब समस्या है, तो देखिए 2-4-5 घंटे में समस्या दूर हो जाएंगी, सफाई से संबंधित और प्रकाश से संबंधित जो बड़ी समस्याएं होंगी, प्रयास करेंगे 48 घंटे के अंदर निराकरण उसका हो, उसके लिए हम खुद सक्षम रहेंगे जी। राजनीति में आने का आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का प्रमुख उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन हम अपने जनता की सेवा के लिए जो है ना राजनीति में आना चाह रहे हैं, जिससे हम नगर की सेवा कर पाएं और अपने नगरवासियों की अच्छे से सेवा कर पाएं जी। भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय सदस्य भी जी? बिल्कुल, पिछले 10 सालों से।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलने के कंडीशन पे ही आप मैदान पर आएंगे, या तो टिकट इग्नोर किया जाता है तो उस कंडीशन पे भी आप जनता की सेवा के लिए मैदान पर उतरेंगे? देखिए, अभी उस मामले में कुछ नहीं, मैं संगठन के उच्च अधिकारियों के पास अपना निवेदन मैं लगा चुका हूँ जी, और प्रयास ये कर रहा हूँ कि संगठन मुझको टिकट दे, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जीवन निगम की सेवा कर रहा हूं। नगर पंचायत राजनगर, डोला, डूमर, कछार तीनों पंचायत में अच्छी पकड़ है जी, ठीक है ना। और मैं चूंकि सीएम क्लब मेंबर पिछले 15 सालों से हूं, तो मेरे पास जो ग्राहक हैं करीब 1100 मेरे पॉलिसी धारक हैं तीनों पंचायतों में मिला के, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, बाकी संगठन का जैसा गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। ऐसा लगता है आपको कि मतलब जो मेरे कस्टमर हैं वो मेरे वोटर हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर का आवाज़ है कि भैया आप चुनाव लड़िए, आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में हैं जी, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके ग्राहकों के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी की ओर से आपके विषय में विचार किया जाता है तो आप मैदान पर आएंगे? बिल्कुल, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर पार्टी मेरे माध्यम से चुनाव अगर लड़ेगी तो बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी जी। और वहाँ पर कमल का विकास होगा, भाजपा का विकास होगा और हमारे नगर पंचायत बनगवां राजनगर का विकास होगा। केएनएन न्यूज़ के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।